हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चलिए, अब इस कार्डिगन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो कार्डिगन है, ये मेरा अभी रीसेंट प्रोजेक्ट मैंने अभी कंप्लीट किया है। लेडीज़ कार्डिगन है, एक्सेल साइज़ है, और इसमें वूल मैंने सुपीरियर वूल यूज़ की हुई है। 10 नंबर नीडल्स पे इसे बुना हुआ है, सिर्फ नेक पोर्शन मैंने 12 नंबर की नीडल्स पर बुना हुआ है। तो अब देखिए, इसके लिए जो पैटर्न्स मैंने यूज़ किए हैं, देखिए फ्रंट और बैक पोर्शन पर मैंने एक पैटर्न को बनाया है, और इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और देखिए, स्लीव्स पर मैंने डिफरेंट पैटर्न यूज़ किया जो इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है, देखिए इस तरह से। तो ये दोनों स्लीव्स मैंने एक ही तरह से बनाई है, पूरी स्लीव्स पे ये डिफरेंट डिज़ाइन जो है मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये वाला अगर पैटर्न आपको बनाना है तो इसका वीडियो भी जो है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाई है मैंने ये। तो सबसे पहले तो मैं स्लीव्स के बारे में बता दूं, इसके लिए मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की हुई है। जैसे मैंने ये स्लीव्स बनाए हैं वैसे मैंने आपको उसमें पूरा बताया हुआ है। और अभी मैं आपको फ्रंट और बैक पोर्शन के बारे में बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने रॉन्ग जो बैक है वो तैयार की थी। तो इस पे देखिए, मैंने सिर्फ एक ही जो है बॉर्डर नहीं बनाया है, दो सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाने के बाद जो है डायरेक्ट अप्लाई किया हुआ है इस पैटर्न को, और इसमें जो है ये अच्छा लग रहा है। अगर आपको बॉर्डर बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये क्योंकि एक्सेल साइज़ का कार्डिगन मैंने बनाया है, तो इसके लिए स्टिचेस जो हैं मैंने पैटर्न के हिसाब से लिए हैं, और पैटर्न के हिसाब से लेने के बाद जो हैं 125 फंदे मैंने बैक के लिए बनाए हैं। और उसके ऊपर जो है ये जो रॉन्ग साइड का ये बैक साइड का पोर्शन है ये बनाया हुआ है। और क्योंकि अगर अपने लिए बना रहे हैं तो आप जो ये लेंथ है यहाँ तक की, जो आर्म होल तक की लेंथ है, ये आप नाप सकते हैं। अदरवाइज़ जो है किसी की मेजरमेंट, अगर किसी और की बनानी है तो मेजरमेंट आपको उस हिसाब से चाहिए। तो ये जो आर्म होल हैं, देखिए ये फ्रंट और रॉन्ग साइड पे मैंने एक ही तरह से बनाए हुए हैं, और ये मैंने डिक्रीज करे हुए हैं 5, 4, 3, 2, 1 के हिसाब से। और बीच में जो, अगर आपको ये पोर्शन बड़ा लगता है तो आप बीच में जो है एक एक फंदे जो हैं यहाँ पे घटा सकते हैं, और उसके ऊपर जो है ये जो लेंथ है वो भी आपके साइज़ के हिसाब से बनेगी। तो अब देखिए, फ्रंट पोर्शन, राइट और लेफ्ट पार्ट, इसमें मैंने सेम दोनों साइड पर जो है सेम स्टिचेस को कास्ट ऑन करा है। तो दोनों ही पार्ट्स में मैंने 76 स्टिचेस को जो है वो कास्ट ऑन करा था, बनाए थे। और उन्हीं 76 स्टिचेस में जो हैं 7 स्टिचेस जो हैं मैंने ये पट्टी के लिए रखे थे। तो ये देखिए, ये जो बटन जिस पर बटन लगने होते हैं वो वाली जो साइड है वो मैं पहले बना लेती हूँ, और जिस पर बटन होल्स बनने हैं वो मैं बाद में बनाती हूँ। क्योंकि जब हमारी ये वाली पार्ट जो है तैयार हो जाती है तो आप इस बटन बार को, बटन पट्टी को जो है डिवाइड कर सकते हैं कि आपके जो ये बटन होल्स हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हों। इसलिए ये वाला पार्ट, अगर आप इस तरह से फ्रंट ओपन बनाते तो आप जिस साइड बटन लगने होते हैं वो वाला पार्ट आप पहले बना लीजिए, और उस पर अगर आप इस तरह से ये बटन बार बनाते हैं जैसे मैंने बनाया, तो इस पर आप गिनना जो है बहुत आसान होता है, और इस तरह से आप डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है बैक की तरह ही बॉर्डर नहीं बनाया है, डायरेक्ट पैटर्न को अप्लाई किया हुआ है। और जो आर्म होल हैं वो भी मैंने 5, 4, 3, 2, 1 की रेशो में घटाए हुए हैं, और बीच में जो हैं, अगर आपके ज़्यादा फंदे बच जाते हैं तो आप बीच में जो हैं फंदे एक एक करके घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीच में घटा दिए थे क्योंकि ये फंदे मेरे पास कुछ ज़्यादा थे। तो उसके बाद देखिए, आर्म होल के बाद हम थोड़ी सी लेंथ और बना लेते हैं, और उसके बाद हम नेक होल
बनाते हैं। तो नेक के लिए देखिए, क्योंकि एक्सल साइज का है तो 6 5 4 3 2 1, और इसी तरह से दूसरे पार्ट पे भी 6 5 4 3 2 1 फंदे जो है मैंने घटा लिए हैं, और उसके बाद देखिए इतनी इतनी लेंथ जो है मैंने सीधा ऊपर को बनाई है। तो ये नेक जो है ये मैंने, ये देखिए गार्टर स्टिचेस को बनाते हुए बनाया हुआ है, और इसके लिए जो मैंने स्टिचेस हैं वो टोटल जो हैं पट्टी वाले फंदों के साथ और बैक पर जो फंदे बच जाते हैं उसके अलावा जो है मैंने इतने फंदे उठाए हैं कि टोटल मेरे जो हैं ये 110 स्टिचेस बने। तो मैंने ये पिक किए हैं 110 स्टिचेस नेक के लिए, और ये मैंने 12 नंबर की नीडल पर बनाया हुआ है, और बहुत ही अच्छी इसकी शेप आई है, देखिए बिल्कुल गोल। तो ये नेक मैंने इस तरह से बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कार्डिगन जो है पसंद आती है, और अगर आपको एक्सेल साइज के लिए बनानी है, और अगर डबल एक्सेल के लिए बनानी है तो भी थोड़ा ही फ़र्क है, आप इसी साइज में बना सकते हैं। तो इसी जितने फंदे इसमें डाले हैं मैंने, अगर उसी उतने ही फंदे आप डबल एक्सेल के लिए डालते हैं तब भी वो फिट आ जाएगी। तो देखिए ये पैटर्न जो है इस कार्डिगन का आपको पसंद आता है तो आप आज की वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, और ये पैटर्न्स मेरी वीडियो में मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ये कार्डिगन बनके तैयार हुआ है, और क्योंकि हैंडमेड मेड जो होते हैं बेस्ट होते हैं, और बहुत ही अच्छे आपके मन मुताबिक जो रिजल्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।